बहुत लोग कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, मैम हमारा कॉन्डम फट गया, कॉन्डम फट गया, आप क्या करें, कॉन्डम क्यों फट जाता है, क्या हम सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्यों होती हैं, और शादी से पहले सेक्स करते समय कॉन्डम फट जाए तो सरदर्दी है एक्चुअली। लेकिन ये क्यों फटता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो कॉन्डम कभी नहीं फटेगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं, और आज मैं बात करने वाली हूं कॉन्डम क्यों फट जाता है। एक्चुअली आपको करके दिखाने वाली हूं, डेमो करने वाली हूं कॉन्डम क्यों फटता है, किन चीजों का ध्यान रखना है, सारी चीजें, तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक जरूर भेजें जिनका कभी आपके पास फोन आया यार फट गया था कॉन्डम क्या करें, तो जरूर उसको शेयर करें। चलिए बात करी थी कॉन्डम क्यों फट जाता है या किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला जो टिप नंबर वन है, मैं तब तक ये कॉन्डम का पैकेट खोल रही हूं, सबसे पहले बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी कॉन्डम को बाय कर रहे हैं हमेशा देखें कि मेरी नीड क्या है। कभी कभार आप फ्लेवर्ड कॉन्डम ले लेते हैं रियल सेक्स के लिए, दैट इज नॉट राइट। आपका टाइम कम है तो आप बाय कर सकते हैं स्पेशली डिले कॉन्डम्स जो आपके टाइम को बढ़ाते हैं। फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आपने ओरल करना है तो फ्लेवर्ड लीजिए। आपको लगता है मुझे पतले से पतला लेना है ताकि बहुत ज्यादा हम दोनों में गैप ना रहे तो आप नैनो थिन कॉन्डम्स ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा प्लेजर और बढ़ाना है तो आप रिब्ड या डॉटेड कॉन्डम ले सकते हैं। मैंने सारे कॉन्डम्स के बारे में डिटेल में एग्जैक्टली वीडियो बनाया है, इसे जाके देखें ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल जानकारी हो कि कितने तरह के कॉन्डम्स मिलते हैं। दूसरा चीज जो समझना है, जब आप फोरप्ले शुरू कर रहे हो, जब आपको लगे कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा इरेक्शन आ रहा है फोरप्ले शुरू कर रहे हो तभी कॉन्डम पहन ले। लोग गलती क्या करते हैं कि कॉन्डम का वेट करते हैं कि पहले सारा फोरप्ले कर लिया, बढ़िया, जब लगा कि हाँ सब रेडी है तब कॉन्डम पहनते हैं। नो, क्योंकि मेल्स में यूजली थोड़ा थोड़ा प्रीकम निकलता है। प्रीकम मतलब थोड़ा सा पानी निकलने लगता है फीमेल को देखकर या जब वो बिल्कुल रेडी होती है। फीमेल में भी होता है लुब्रिकेशन, तो मेल में जो होता है उसके अंदर स्पर्म होते हैं, और कभी कभार आप जब रब कर रहे हैं, रिमिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा प्ले कर रहे हैं, उसमें भी अगर आपका सीमेन चला गया है, स्पर्म उसमें है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। फिर चाहे आप कॉन्डम पहन लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए फोरप्ले के दौरान ही कॉन्डम को पहन ले ताकि धीरे 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 दैट विल हेल्प यू। और ओरल भी कर रहे हैं तो फ्लेवर्ड कॉन्डम्स हैं, दैट विल हेल्प, तो कॉन्डम पहन के ही करें। तीसरी चीज जो मैं समझा रही हूं, तो मैंने ये कॉन्डम को अभी ब्रेक किया है, मेरे हाथ में है, आप देख रहे हैं, वो है ये कि इसका एक आपको यहाँ पे टील दिख रहा है, मतलब जो टिप आपको यहाँ कॉन्डम की दिख रही होगी, है ना। तो जब भी आप कॉन्डम को वियर करेंगे इसको इसके टिप से पकड़ेंगे, बहुत आसानी से समझा रही हूं। जब भी आप कॉन्डम पहनेंगे इसकी टिप को पकड़ेंगे। क्यों मैं ऐसे टिप को पकड़ने को बोल रही हूं, यहीं पे एक्चुअली सीमेन इकट्ठा होता है, ये टिप में एयर भर जाती है, और जब इसके अंदर एयर भर जाएगी तो उसमें आपका कलेक्शन में दिक्कत आएगी। तो जब भी पहने इसके टिप को, इसके अंदर एक टिप है देखिए और एक इसका रिंग है नीचे वाला, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो टिप से पकड़ेंगे। टिप से पकड़ने के बाद इसे अपने पेनिस पे प्लेस करेंगे, मान लीजिए आपका पेनिस है तो इसको अपने पेनिस पे पूरा अच्छे से प्लेस करेंगे और धीरे धीरे रोल करेंगे। जब आप रोल करेंगे, अच्छे से पूरा रोल करेंगे, रोल करने से क्या होगा कि वो पूरा आपके पेनिस के लेंथ को कवर कर लेगा। तो जब आप इसको ऐसे पहना देंगे बिल्कुल पिंच करके, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको ओपन करेंगे, तो आप ओपन करते जाएंगे तो ये पूरा आपके पेनाइल लेंथ को कवर कर लेता है, और कवर करने के बाद यू आर ऑलरेडी सेट टू गो। अब मैं बात कर रही हूँ रिमूव करने की। जब आपने परफॉर्म कर लिया है थोड़ा सा माइल्ड ल्यूब्रिकेट, और ये बहुत नैनो थिन है एंड इट्स नॉट फीलिंग लाइक अ कॉन्डम, वेरी स्मूथ ल्यूब्रिकेटेड, और इसको आप ल्यूब के साथ भी यूज करते हैं, मतलब चॉकलेट फ्लेवर या कोई और ल्यूब के साथ भी यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। तो अब मैं बात कर रही हूँ रिमूव करने की। जब भी आप कॉन्डम को रिमूव कर रहे हैं हमेशा यहां से पकड़ के रिमूव करेंगे, रिंग एरिया से, ये रिंग एरिया है इसका, इससे पकड़ के कॉन्डम को रिमूव करेंगे। लोग क्या करते हैं यहां से खींचते हैं, अगर आप यहां से खींचेंगे तो आपका जो स्पर्म इकट्ठा हो गया है, जो सीमेन इकट्ठा हो गया वो स्पिल कर जाएगा बाहर निकलते वक्त, तो स्पिल कर जाएगा तो जिससे बच रहे हैं वही प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, कॉन्डम को हमेशा रिंग से पकड़ें, ये रिंग एरिया है जितना आपका कॉन्डम का साइज है, यहां से इसे पकड़ लो, पकड़ने के बाद धीरे 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 रोल करके आप उतार लो।
ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्पिलेज के चांसेस बिल्कुल कम है। ये तो पेन बड़ा, तो ऐसे करके धीरे धीरे रोल करके आप इसे उतार सकते हैं। उतारने के साथ साथ कोशिश करें कि अपने कॉन्डम को जब हो जाए इसको यहीं के यहीं गांठ मार के, यू कैन थ्रो इट इन अ डस्टबिन, डोंट फ्लश इट। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज, अगर आपका कॉन्डम फट गया है, मान लो इन एनी केस आपको बाद में पता चलता है, ऐसा नहीं है कि फटाफट बांध के फेंको, चेक भी करो कि आपका कॉन्डम फटा तो नहीं है, कहीं से कहीं कट्स तो नहीं है। स्पेशली आप बिफोर मैरिज करते हो तो बहुत डर रहता है, तो अगर कट भी गया है तो पिल्स को रेडी रखो। 24 आवर्स पिल आती हैं, 72 आवर्स पिल आती हैं, जो केमिस्ट को बिना प्रिस्क्रिप्शन से आप खरीद सकते हो, इवन अ मेल कैन गो एंड बाय इट। तो आप जाके केमिस्ट को बोल सकते हो कि मुझे एक 24 आवर्स आई पिल या फिर 72 आवर्स पिल दे दो, जो 24 या 72 घंटे 5 दिन के अंदर अंदर इजिली अवेलेबल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ज्यादा रूटीन में नहीं खानी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उन पिल्स को आप ऐड करें। ये ध्यान रखना कि कॉन्डम फटा नहीं है, अगर आप ये सारी टिप्स को फॉलो करेंगे, आई गारंटी कॉन्डम से बढ़िया आपके पास कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है, फेलियर रेट्स नहीं है। थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, आप कुछ भी यूज करें थोड़ा कॉन्शियस रहिए कि हाँ यार मैंने क्या करना है, करने के वो भूलने नहीं है। स्पेशली जो एयर रैपिंग वाला है ना, कि आप टील से पकड़ते नहीं है और उतारते वक्त भी बहुत जल्दी करते हैं, वो सब आपने नहीं करने। कई लोग लेट भी करते हैं, भाई आपको लगता है लगा तो हुआ है मैंने क्या करना है, ऐसे नहीं करना है। ट्राई टू नॉट डिले और टू बी वेरी अर्ली पुलिंग बैक योर कॉन्डम, ठीक है। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है, बहुत सारी और वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें किस टॉपिक पे आपको बात करनी है। हमारे दोनों नए चैनल लवोलॉजी सीखो और साइकोलॉजी सीखो को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड और मेंटल हेल्थ रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैं वहाँ डिलीवर करती हूँ। बने रहें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो वीडियोस मिस हो जाएंगे ना। सो गो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।